वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज वेल्डिंग. टू फुली कंप्लीट दिस टॉपिक प्लीज वॉच ऑल द अपकमिंग वीडियोस. वेल्डिंग को डिटेल में समझने के लिए आने वाले सभी लेक्चर्स को पूरा देखें. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज वेल्डिंग. वेल्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं. कॉमनली वेल्डेड बेस मेटल्स, वेल्डिंग किन किन मटेरियल्स पर की जा सकती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, एंड लास्टली एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग, और अंत में हम देखेंगे कि वेल्डिंग का किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग कहते किसको हैं. सो लेट्स टेक इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. वेल्डिंग इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पार्ट्स आर फ्यूज टूगेदर बाय मीन्स ऑफ हीट, प्रेशर और बोथ, फॉर्मिंग ए जॉइंट एज द पार्ट कूल्स. मतलब कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कम से कम दो या दो से अधिक हमारे पास में सेम या अलग अलग तरीके के मटेरियल होने ज़रूरी हैं. मीन्स सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को हम जोड़ सकते हैं. इसको जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हीट की और प्रेशर की. किसी किसी केस में हमारे को प्रेशर की आवश्यकता होती है, किसी में हमें आवश्यकता नहीं होती है. तो हम आगे इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. जिस प्रिंसिपल पर वेल्डिंग काम करती है उसको हम पहले समझ लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग. अ वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कोलेसेंस ऑफ मेटल प्रोड्यूस बाय हीटिंग टू अ सूटेबल टेम्परेचर विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विथ और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मटीरियल. बोथ मेटल्स कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर. तो देखिए, कोई भी दो या दो से अधिक मेटल्स को जब हम जोड़ते हैं, उनको आपस में कंबाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे को हीट की आवश्यकता होती है. और हीट हम अलग अलग सोर्सेस से ले सकते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे. इसके साथ ही हमारे को प्रेशर की आवश्यकता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. साथ ही हम देखेंगे कि हमें एडिशनल फिलर मटेरियल की उसमें ज़रूरत है या नहीं है. कुछ केसेस में हम लोगों को फिलर मटेरियल यूज़ करना पड़ता है और कुछ वेल्डिंग में हम लोग फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं. और ये किसी भी सिमिलर मेटल्स के बीच में या डिसिमिलर मेटल्स के बीच में की जा सकती है. जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले नॉर्मल आर्क वेल्डिंग दिखाई हुई है, सेकंड फ्रिक्शन वेल्डिंग दिखाई है, जिसमें प्रेशर का भी जरूरत पड़ती है, जबकि आर्क वेल्डिंग में हमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है. ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग. वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं. सो देखा जाए तो वेल्डिंग 35 टाइप से भी ज़्यादा तरीके की इंडस्ट्री में की जाती हैं. और साथ ही वेल्डिंग के अलावा सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग को भी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ये तीनों अलग अलग होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है. तो जो वेल्डिंग होती है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर की जाती है, जिसमें टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है. जबकि यदि हम बात करें सोल्डरिंग की, तो सोल्डरिंग हमेशा 427 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की जाती है, और ब्रेजिंग होती है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की जाती है, लेकिन उसका अपर लिमिट वह होता है जहाँ पर हमारा जो बेस मेटल है वो नहीं पिघले. यानी कि वेल्डिंग के केस में तो हमारा बेस मेटल भी पिघलता है, साथ में फिलर रॉड भी पिघलती है, लेकिन ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में सिर्फ फिलर रॉड ही को हम पिघलाते हैं, जबकि जो बेस मेटल है वो नहीं पिघलता. तो ब्रेजिंग में हम कहाँ तक टेम्परेचर ले जा सकते हैं, जहाँ तक बेस मेटल ना पिघले, लेकिन आपका ब्रेजिंग जो फिलर मटेरियल है वो पिघल जाए, तो वो टेम्परेचर 427 से ज़्यादा होगा, लेकिन बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा. इसी तरह से यदि हम देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन ये किसकर बेस पर होता है, तो हम देखेंगे कि एक तो ये सोर्स जो है हीट का उसके बेस पर होता है, यानी कि गर्मी हमको किससे मिल रही है वेल्डिंग के लिए, या तो हम फ्लेम यानी कि किसी तरह से हम आग जला रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह की गैस से हो सकती है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक हो सकती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या अलग अलग टाइप की रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे. इसी तरह से दूसरा जो तरीका होता है वो इंटरेक्शन होता है, कि दो मेटल जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड फेज में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या सॉलिड सॉलिड फेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से अलग अलग तरह की वेल्डिंग हम आगे देखेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज गैस वेल्डिंग. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैस वेल्डिंग हमारे पास में चार डिफरेंट टाइप की दी हुई है. इन सभी तरह की वेल्डिंग्स को हम आने वाले समय में एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे हैं कि ये क्या है. तो लेट्स सी, सबसे पहले यदि हम बात करें एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एयर एसिटिलीन जो वेल्डिंग है
वहां पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन सिलेंडर यूज किया जाता है और उसको जलाने के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपके जो टॉर्च है जो जलती हुई दिख रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही पाइप आता है जिसमें एसिटिलीन गैस आती है और वहां पर हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं और इस तरह से हम एयर एसिटिलीन वेल्डिंग को काम में लेते हैं। यदि हम आगे देखें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो सिलेंडर्स काम में लेते हैं, एक ऑक्सीजन का लेते हैं और एक हमारे पास में एसिटिलीन का होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर हमारे को ब्लैक कलर से दिख रहा है और एसिटिलीन का सिलेंडर हमारे को यहाँ पर मेहरून कलर का दिख रहा है और दोनों की ही पाइप साथ में आती है और हम रेगुलेट करते हैं कि हमें कितना कितना अमाउंट दोनों का चाहिए। ओके, इसी तरीके से यदि हम तीसरे तरह की वेल्डिंग की बात करें, दैट इज प्रेशर गैस वेल्डिंग। यदि हम प्रेशर गैस वेल्डिंग की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल जैसे हमने ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज की थी, बिल्कुल इस वाले में भी हमें वही यूज करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये एक सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर एक पाइप है और इसके चारों तरफ में ये पाइप है जिसमें से नोजल्स निकली हुई हैं। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से ऑक्सी एसिटिलीन गैस आती है, ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है सिलेंडर और एसिटिलीन भी जुड़ा होता है, और दोनों से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम क्रिएट करते हैं और जनरली हम लोग यहाँ पर जो गोल पाइप्स होते हैं या रॉड्स होती हैं उनको जोड़ने के काम में लेते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि पहले तो हम इसको रेड हॉट करते हैं यानी प्लास्टिक स्टेज तक हीट करते हैं और जैसे ही यहाँ पर प्लास्टिक स्टेज तक हीट हो जाता है उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर, जिससे कि वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ना निकले और वेल्डिंग अच्छी हो। तब हम इसके अंदर में एक्स्ट्रा प्रेशर इक्विपमेंट से प्रेशर क्रिएट करते हैं और हमारे पास में प्रेशर गैस वेल्डिंग इस तरह से हमको मिलती है। यदि हम देखें ऑक्सी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑक्सी हाइड्रोजन, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम ऑक्सीजन यूज करते हैं प्लस हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमारे पास में एक इक्विपमेंट होता है और इसमें हम दोनों की फ्लेम यूज करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लेम का कलर है वो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सी हाइड्रोजन और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इस तरह की वेल्डिंग को यूज करते हैं जहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम सेकेंड टाइप के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दैट इज आर्क वेल्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आर्क वेल्डिंग बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन इनमें से जो मेन फाइव हैं जिनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी SMAW। तो SMAW जो वेल्डिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल वेल्डिंग है। जो आर्क वेल्डिंग आप लोग अपने घरों के पास या फिर जो बाजार में आप देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली जो है वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है। बहुत सिंपलेस्ट होती है, बहुत सिंपल तरीके से इसको यूज़ करते हैं और खर्चा भी बहुत कम आता है। यदि हम सेकेंड देखें सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है हम लोग कि जो हमारे पास आर्क बनती है उसको हम ओपन नहीं छोड़ते हैं और उसके लिए हम लोग एक फ्लक्स पाउडर यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लक्स पाउडर यूज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है, दिस इज व्हाट योर जो फ्लक्स पाउडर गिरा रहा है और यहाँ पर आपके पास में फ्लेम क्रिएट हो रही है और ये सबमर्ज है यानी कि यहाँ पर फ्लक्स के अंदर ये चीज जो है आर्क जा रही है जिससे कि किसी भी तरह से बाहर से उसको कंटेमिनेशन नहीं हो सके। ओके, देन द थर्ड टाइप यदि हम बात करें तो दैट इज टिग वेल्डिंग। इसको भी हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टिग वेल्डिंग के अंदर में हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस। ओके, तो टंगस्टन इनर्ट गैस बोलते हैं इसको टिग वेल्डिंग के लिए और ये बहुत ही अच्छी तरीके की वेल्डिंग होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, खत्म नहीं होता है क्योंकि वो टंगस्टन का बना होता है और उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इनर्ट गैसेस लगातार छोड़ते रहते हैं। इनर्ट गैसेस आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है और भी किसी तरह की इनर्ट गैस आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है GTAW है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं लेना है। देन वी हैव वन मोर, दैट इज मिग वेल्डिंग। तो टिग जैसे हमने देखी वैसे ही मिग है,
मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, जो इनर्ट गैस है वो हम छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी टंगस्टन में हमने देखा था एक ही इलेक्ट्रोड चलता रहता है, वो कंज्यूम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लगातार वायर जो होता है, मेटल होता है, वो इसमें से रोल से निकलता रहता है और वो वेल्डिंग कंटिन्यू होती रहती है, और उसके चारों तरफ में जो शील्ड होती है वो इनर्ट गैस की होती है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मिग वेल्डिंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें, दैट इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो आपके पास में जहाँ पर आपको ज़्यादा वेल्ड जॉइंट भरना है, जहाँ पर ज़्यादा वेल्डिंग आनी है, प्लस इसकी एक कंडीशन ये है कि लगभग वो वर्टिकल होना चाहिए या हल्का सा एंगल पर होना चाहिए, वहाँ पर ही हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर एक आपके पास एक लेफ्ट मेटल है और एक राइट मेटल है, इन दोनों को आपको चिपकाना है। तो आपने वही किया है कि यहाँ पर एक बेस मेटल के साथ इसको जोड़ दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया है, और ये इलेक्ट्रोड जो होता है यहाँ पर, ये जो चीज़ देख रहे हैं मोल्टन स्लैग, इसके आर पार होता है, और ये यहाँ पर ये जो चीज़ है मोल्टन जो भी फिलर है वो यहाँ पर मेल्ट होता रहता है। जैसे जैसे मेल्ट होता रहता है ये ऊपर की तरफ में बढ़ता है, और आप देखेंगे मोल्टन स्लैग जो है वो ऊपर मुड़ता रहता है और ऊपर जाता रहेगा, और नीचे आपका मटेरियल और फिल होता रहेगा। और ये जो मोल्टन स्लैग है ये क्या करेगा, इसको एटमोस्फेरिक जो भी कंटामिनेशंस हैं ऑक्साइड बनने के लिए या फिर किसी और तरह के रिएक्शन के लिए, उससे ये इसको बचाता है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। सो यदि हम देखें इसके अलावा भी आर्क वेल्डिंग के कई टाइप होती हैं, जैसे कार्बन आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग एंड सो ऑन। तो इस तरीके की हमारे पास में आर्क वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। थर्ड टाइप का जो वेल्डिंग होता है वो होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो वहाँ हीट जनरेट होती है, और लोकल हीट जब वहाँ जनरेट होती है तो वहाँ पर ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कई तरह की वेल्डिंग्स होती है, लेकिन इसमें से पाँच टाइप की वेल्डिंग हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहली है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड नीचे है और एक इलेक्ट्रोड मूवेबल जो है वो ऊपर से आ रहा है, और बीच में मेटल की शीट को गोल करके यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के ऊपर फोर्स करते हैं तो क्या होता है कि उस लोकल पॉइंट पे जो शीट है वहाँ पर हीट जनरेट होती है, और वो आपस में ऊपर वाली शीट और नीचे वाली शीट उस स्पॉट पे चिपक जाती है। तो इस तरह से हम जितने भी स्पॉट लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बॉडी बनती है या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, आगे हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड सीम वेल्डिंग। देखिए यहाँ पर सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग बिल्कुल एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि जहाँ जहाँ हम स्पॉट लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर दो हमारे पॉइंट्स टच होंगे, सिर्फ वहीं वहीं पर ही पॉइंट अपने वेल्ड होंगे। लेकिन यदि हम कोई प्रेशर वेसल बना रहे हैं तो हम पॉइंट्स के बेस पर हम ये नहीं निश्चित कर सकते कि उसमें से कोई गैस लीक नहीं होगी, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत दूर दूर होंगे और बीच में से जो गैप होगा उसमें से गैस निकल सकती है। तो जहाँ पर भी हमको सीमलेस चाहिए, जहाँ पर भी हमको चाहिए कि फुल्ली हमारे दोनों जो शीट्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएं, तो हम चाहते हैं कि हम उस पूरी लाइन के ऊपर में वेल्डिंग करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीम वेल्डिंग काम में लेते हैं। तो जहाँ पर हमने दो पॉइंटर्स पहले लिए थे उसकी जगह अब हम क्या लेते हैं, दो व्हील्स हम काम में ले लेते हैं, और ये व्हील्स थोड़े से बीच में से उठे हुए हैं। उससे होता यह है कि ऊपर वाला व्हील थोड़ा नीचे की तरफ में और नीचे वाला व्हील थोड़ा ऊपर की तरफ में है, और जब हम दोनों को एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और बीच में से दो शीटों को साथ में अंदर घुसाते हैं तो होता यह है कि उस लोकल लाइन पर, न कि पॉइंट पर, इस लाइन में एक तरह से आपकी वेल्डिंग होती चली जाती है, और जैसे कपड़े सिलते हैं उस तरीके से ही आप दो शीटों को आपस में आगे बढ़ाते जाएंगे, और बीच में से जो वेल्डिंग है वो पूरी लाइन में होती रहेगी, इससे कि किसी भी तरह का बीच में गैप नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छी वेल्डिंग हमको यहाँ पर मिलेगी। दिस इज अबाउट सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो जैसा अभी हमने देखा प्रोजेक्शन वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यदि मान लीजिए आप देखते हैं कि जो आपका वर्क पीस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वर्क पीस है और इसका एक शेप अलग ही है, तो यदि हम इस शेप को यहाँ पर वेल्ड करना चाहते हैं इन इन पॉइंट्स पे, तो क्योंकि ये ऊपर और नीचे होने की वजह से हम लोग इसको सीधे, जैसा अभी हमने देखा, स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग से इसको नहीं कर सकते हैं। तो हमें स्पेशल ज़रूरत है कि यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर पैटर्न जो है वो स्पेशली उसी तरह का डिजाइंड है जिस तरह का
आपका प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है। तो हमने यहाँ पर स्पेशली प्रोजेक्शन दिए हुए हैं हमारी डाई के ऊपर में, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करते हैं कॉपर जो पैटर्न्स हैं। और इसके बाद जब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर टच कराते हैं, तो यहाँ पर जो लोकलाइज हीट होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो इन डिटेल इन कमिंग अप लेक्चर्स। यदि हम नेक्स्ट वेल्डिंग की बात करें, दैट इज फ्लैश बट वेल्डिंग। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है, हम बट वेल्ड जानते हैं, यानी कि जब हम पास पास में दो जो मेटल्स हैं उनको लेके आते हैं, प्लेट्स हैं उनको लेके आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बट जॉइंट। बट जॉइंट ये होता है, और लैप जॉइंट होता है जब हम एक दूसरे के ऊपर किसी दो जो प्लेट्स हैं उनको रखते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं बट जॉइंट की, यानी कि सामने सामने से हमें किसी दो रॉड को या फिर किसी रेक्टेंगुलर पोर्शन को हमें जब जोड़ना होता है, तब हम क्या करते हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रोड बना देते हैं, यानी कि एक लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को दोनों को ही हम सप्लाई दे देते हैं। लेकिन इसमें से एक जो पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है, जबकि दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा मूवेबल होता है। तो हमने जब इसको वोल्टेज दे दिया, लेकिन इसमें से अभी करंट पास नहीं होगा। जैसे जैसे ये पास में आएगा, तो आप देखेंगे जैसे ही ये बिल्कुल नज़दीक आएगा तो इसमें से आर्क प्रोड्यूस होगी और करंट बहना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और हम उसके बाद इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, आर्क भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में हम जब इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं और उसको फिर हम उसी स्टेट में थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि वहाँ पर फ्यूजन प्रॉपरली हो सके, यानी लेफ्ट का मटेरियल राइट के मटेरियल से मेल्ट करके अच्छे से फ्यूज हो सके। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फोर्स हटाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को फ्लैश बट वेल्डिंग मिलती है। इसी तरीके से यदि हम आगे चलें तो हमारे पास में परकुएशन वेल्डिंग हमको देखने को मिलती है। परकुएशन वेल्डिंग थोड़ी स्पेशल टाइप की है, क्योंकि बहुत फास्ट होती है और इसमें कोई भी तरीके का शील्ड या फिर फ्लक्स यूज नहीं होता है। परकुएशन में आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि आपके पास एक वायर है और इसको आपने एक पावर सोर्स से जोड़ रखा है, और इधर आपने स्विच लगा करके और दूसरी साइड से पावर सोर्स पे जोड़ रखा है। तो ये पर्टिकुलरली वहाँ काम में आती है जहाँ पर 2 mm या उससे भी कम जो थिकनेस के वायर्स होते हैं, हमको उनको जोड़ना होता है, किसी एक स्पॉट से उसको वेल्ड करना होता है। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक कैपेसिटर्स में, रेजिस्टेंस में, डायोड में, इस तरह के जो बहुत पतले वायर्स होते हैं वहाँ पर हम परकुएशन वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वायर है और ये डायरेक्शनल ट्रेवल है, कि ये आप मूव करा सकते हैं इसको, और इसको रोकने के लिए एक लैंप है जो वेल्ड होगा। देखेंगे आपके फ्यूज है लेफ्ट और राइट से, और यहाँ पर एक पतला सा तार है, हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर हम वेल्ड करें। तो जैसे ही हम इसके पास में लाएंगे तो बहुत ही फास्ट स्पीड से ये जो वायर है यहाँ पर स्पॉट वेल्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको हटा लेंगे और यहाँ पर ये वेल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी 2 mm या उससे भी बहुत बारीक तार होते हैं उनको हम बहुत क्विकली यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं, राइट? तो ये था हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। इसके अलावा भी कुछ रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, जैसा कि रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग होती है, हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, लेकिन इनको हम ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 4 टाइप का जो वेल्डिंग है वो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। और इसमें भी बहुत तरीके की वेल्डिंग्स कवर होती हैं, लाइक कोल्ड वेल्डिंग इसके अंदर में होती है, जिसमें हम दोनों ही पार्ट को गर्म नहीं करते हैं, कोल्डली हम स्ट्राइक करके उसको वेल्ड करते हैं। डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, हॉट प्रेशर वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये सारे टाइप की जो वेल्डिंग्स है ये सॉलिड स्टेट में होती है। इसमें हम लोग लिक्विड स्टेट पर नहीं जाते हैं, बट वी विल नॉट कवर देम इन डिटेल इन आवर दीज कमिंग अप सेशंस। ओके, इसके बाद जो वेल्डिंग होती है वो होती है हमारे पास में 5th type की वेल्डिंग होती है, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थर्मो और केमिकल, यानी कि हमें टेम्परेचर मिलता है बाय केमिकल रिएक्शंस। तो ये पर्टिकुलरली वहाँ काम में ली जाती है जो ऑफशोर्स होते हैं, जहाँ पर आउटस्कर्ट्स के अंदर में हमारे को वेल्डिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पर हम पावर सोर्स नहीं ले जा सकते, हम गैसेस नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर एक केमिकल यूज़ करते हैं थर्मिट वेल्डिंग के लिए, और उसको हम भर करके जैसे ही आग लगाते हैं तो अंदर ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि जो हम उसके ऊपर में फिलर मटेरियल डालते हैं वो भी पिघल करके
और हमारे जो दो पार्ट्स हैं उनके बीच में फिल हो जाता है और वो कास्ट हमारा जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर हो जाता है। ये जनरली हम करते हैं जो रेलवे लाइंस होती हैं जब हम उनको जोड़ते हैं, तो इस टाइप की वेल्डिंग हम वहाँ पर बहुत ब्रॉडली यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब वेल्डिंग लाइन से थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ भी निकलती है, उसको हम फिर फाइनली ग्राइंड करके और उसको मैच करा देते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ में। तो दिस इज अबाउट थर्मिट वेल्डिंग। इसी का एक और पार्ट होता है, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके जो शील्ड होती है वो हाइड्रोजन की बनती है और उसके अंदर हम वेल्डिंग करते हैं। बट अगेन वी विल नॉट डिस्कस दिस हाइड्रोजन इन डिटेल, बट थर्मिट वेल्डिंग को हम डिटेल में आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सिक्स टाइप ऑफ वेल्डिंग इज रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। तो रेडिएंट एनर्जी जो है इसके अंदर में दो तरीके की वेल्डिंग हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। ये बहुत माइनर लेवल के लिए वेल्डिंग्स करते हैं, जहाँ पर हम पीसीबी डिज़ाइन करते हैं या फिर नैनो मटेरियल्स में कुछ काम करते हैं, तब हम इस तरह की बहुत ही बारीक जो वेल्डिंग्स हैं उनको काम में लेते हैं और इसको भी हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कॉमनली वेल्डेड बेस मेटल्स, कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट वन इज फेरस एंड वन इज नॉन फेरस, यानी जिसमें लोहा या लोहे से संबंधित कुछ मटेरियल होते हैं और दूसरा जिसमें लोहे के कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं होते हैं। तो यदि हम लोहे से रिलेटेड यानी फेरस देखें तो उसके अंदर में कई सारी कैटेगरी हैं जिनको हम वेल्डिंग कर सकते हैं, दैट इज रॉट आयरन, कास्ट आयरन, उसके अलावा कार्बन स्टील, जिसके अंदर में तीनों कैटेगरी आ जाती है, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील। हम तीनों को ही वेल्ड कर सकते हैं, आपस में भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी सेम में भी कर सकते हैं। फोर्थ इज कास्ट स्टील, फिफ्थ इज एलॉय स्टील और सिक्स्थ इज स्टेनलेस स्टील। इन सब के ऊपर में वेल्डिंग पॉसिबल है, आपस में सेम मटेरियल भी हो सकता है या फिर आपस में इनके कोई भी कॉम्बिनेशन को भी हम वेल्ड कर सकते हैं। यदि हम नॉन फेरस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका टेम्परेचर कंपेरेटिवली फेरस से थोड़ा डाउन होता है। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, लाइक एल्यूमिनियम आता है या उसके एलॉयज आते हैं, नेक्स्ट आता है कॉपर या कॉपर के जो एलॉयज होते हैं, मैग्नीशियम एंड इट्स एलॉयज, निकल एंड इट्स एलॉयज, जिंक एंड इट्स एलॉयज, ये सारे भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं और अलग अलग टाइप की वेल्डिंग हम लोगों को इसके अंदर में यूज करनी होती है। तो ये सारे मटेरियल हमने देखे हैं जो कि मेजरली हम लोग वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं। यदि अब हम बात करें कि वेल्डिंग करने के फायदे क्या हैं, हम वेल्डिंग क्यों करते हैं या वेल्डिंग नहीं करेंगे तो हम और क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था कि कास्टिंग की जा सकती है, उसके अलावा हम रिविटिंग कर सकते हैं कुछ भी मटेरियल को जोड़ने के लिए। तो हम उनके बजाय वेल्डिंग क्यों करें या वेल्डिंग के क्या खास बातें हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है अ गुड वेल्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द बेस मेटल। तो जिस मटेरियल को हम जोड़ रहे हैं वेल्डिंग से वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है। मान लीजिए आपने लोहे को लोहे से जोड़ा है तो उसके बाद यदि आप उसको टेस्ट करेंगे जहां पर जॉइंट है उसकी भी स्ट्रेंथ आपको लगभग लोहे जितनी ही मिलने वाली है, तो आप उसके ऊपर में विश्वास कर सकते हैं, उस पर लोड दे सकते हैं। तो जितना बेस मटेरियल है उतना ही आपका वेल्डिंग जॉइंट्स का भी आपको स्ट्रेंथ मिलता है। सेकेंड, यदि हम बात करें जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली, तो जो इक्विपमेंट्स हैं वेल्डिंग करने के वो सस्ते हैं और धीरे धीरे अब आप तो देखते हैं कि छोटे होते जा रहे हैं, और आप पहले तो फिर भी एक बड़ा इक्विपमेंट लेकर के उनको लेके जाना पड़ता था वेल्डिंग के लिए, लेकिन अब काफ़ी कॉम्पैक्ट जो हैं वेल्डिंग के इक्विपमेंट हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं। 4-5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये के अंदर में एक नॉर्मल वेल्डिंग का इक्विपमेंट आ जाता है और उससे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। थर्ड की बात यदि हम करें तो पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, तो बहुत अच्छी बात है कि पोर्टेबल है, उनको लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी हाइट पे जा सकते हैं, किसी भी ऑफशोर एरिया में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। फोर्थ इज वेल्डिंग परमिट्स कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिज़ाइन। तो वेल्डिंग करने से क्या है, अलग अलग तरह के आप डिज़ाइन परमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कास्टिंग कर रहे हैं और कास्टिंग में एक शेप इस तरह की है जिसको कास्ट करना बहुत मुश्किल है या फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम उसको दो पीस में अलग अलग बना सकते हैं और उसके बाद हम उसको चाहें तो वेल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उनको अलग अलग बना सकते हैं, उसके बाद फाइनली उनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ, यदि हम बात करें एडवांटेज की, तो अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एलॉयज बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैन बी ज्वाइंट बाय वेल्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये चीज हम लोग जनरली कास्टिंग में नहीं देख पाते हैं कि दो मेटल्स को हम साथ में मिक्स करके कास्ट कर रहे हैं, वो इतना ईजी नहीं हो रहा है हमारे लिए।
प्लस उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमें मान लीजिए किसी व्हील है, यदि वो मान लीजिए आयरन का व्हील है और उसके ऊपर में हम लोगों को ब्रास के टीथ लगाने हैं, तो भी हम चाहें तो उसको ब्रेस कर सकते हैं, हम उसको वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज कास्टिंग में आती है। इसी तरीके से यदि हम बात करें, वेल्डिंग कैन ज्वाइन वर्कपीसेस थ्रू स्पॉट्स एज कंटिन्यूस प्रोसेस सीम्स एंड एंड टू एंड इन अ नंबर ऑफ अदर कॉन्फिग्रेशंस। तो हम जैसा वेल्ड करना चाहें हम वैसा वेल्ड कर सकते हैं, हम चाहें तो स्पॉट वेल्ड कर सकते हैं, हम चाहें तो कंटिन्यूसली भी वेल्ड कर सकते हैं, एंड टू एंड भी वेल्ड कर सकते हैं, और भी बहुत तरह की वेल्डिंग हम कर सकते हैं। वेल्डिंग कैन बी मैकेनाइज, यानी कि वेल्डिंग को हम चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं, हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो आपके पास में कार इंडस्ट्रीज हैं, या जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, या फिर जो रेगुलर लाइन पर जिनके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर रोबोट्स आपकी वेल्डिंग करते हैं और उनको प्री प्रोग्राम कर देते हैं कि जिन जिन स्पॉट्स पे वेल्डिंग होनी है वहां पर आपके पास आर्म्स आती हैं, रोबोटिक आर्म्स, और वो उस पर्टिकुलर जगह पे वेल्डिंग कर देती है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पूरी वेल्डिंग हो जाती है और लाइन पे एक कार आगे चली जाती है, फिर नेक्स्ट कार पीछे से आ जाती है। तो हम देखेंगे मैकेनाइज वेल्डिंग हमारे लिए बहुत ईजी हो गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हम रोबोट्स को या फिर कई तरह के की पीएलसी को यूज करके ऑटोमेटिक वेल्डिंग इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि वेल्डिंग के सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इट गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशंस, फ्यूम्स एंड स्पेटर्स। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो देखेंगे कि बहुत ही डेंजरस फ्यूम्स वहां से निकलती है, लाइट जो होती है वो आंखों में आती है इंफ्रारेड, तो हमारी आंखें खराब होती हैं, हमारी आंखों पर चुभन होती है यदि हम प्रॉपर उसमें शील्ड यूज नहीं करें तो। और कई बार स्पेटर्स निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, जो कि हमारे हाथों को या फिर हमारे कपड़ों को जला सकती है। इसी तरीके से सेकंड हम देखें तो वेल्डिंग रिजल्ट्स इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्ट द वर्क पीस। तो जो भी वर्क पीस हम जोड़ रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत लंबा पाइप को वेल्ड किया है और आपने यदि उसको प्रॉपर फिक्सचर्स में नहीं रखा है, तो हो सकता है कि जब वो ठंडा हो तो वो किसी और शेप में मुड़ जाए बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है डिस्टॉर्शन, और यदि आपने मान लीजिए लंबी लंबी प्लेटों को जोड़ा है तो भी वो डिस्टॉर्ट हो सकती हैं जब वो ठंडी होंगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है जिग्स एंड फिक्सचर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू होल्ड एंड पोजिशन द पार्ट टू बी वेल्डेड। तो जैसा अभी मैंने बताया था, यदि आपको बड़े पोर्शन हैं और बड़ी वेल्डिंग हो रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पर्टिकुलरली जिग्स और फिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है। यदि वो यूज नहीं करेंगे तो वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं ठंड जैसे जैसे वो कूल होते हैं उसके साथ ही। फोर्थ यदि हम बात करें, एज प्रिपरेशन ऑफ वर्क पीस इज जनरली रिक्वायर्ड बिफोर वेल्डिंग। तो देखिए जो भी दो एजेस हैं जब आप उसको वेल्ड कर रहे हैं, तो वेल्डिंग से पहले उस एज को आपको बिल्कुल पहले तो क्लीन करना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि आप वी ग्रूव बना रहे हैं तो दोनों साइड में आपको वी ग्रूव पहले करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रॉपर वेल्डिंग अंदर भर सके। तो इस तरह की कई सारी प्रिपरेशन हमको वेल्डिंग करने से पहले करनी पड़ती है। फिफ्थ यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है टू गेट अ गुड वेल्ड। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई वेल्डिंग नहीं कर सकता है, वेल्डिंग भी एक बहुत स्किलफुल वर्क है। तो जिसको वेल्डिंग आती है, जिसको पूरा वोल्टेज और करंट का पता है कि वेल्डिंग में कितनी यूज होनी है, कब कौन सी वेल्डिंग कहाँ पर की जानी है, किस मटेरियल के लिए कौन सी वेल्डिंग की जानी है, वही प्रॉपर डिसीजन ले सकता है और अच्छी वेल्डिंग कर सकता है। और यदि आप वो कराएंगे तो आपकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सिक्स डिसएडवांटेज है, वेल्डिंग हीट प्रोड्यूसेस मेटलर्जिकल चेंजेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। तो देखिए हमने बात की थी कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, और वहां पर जो दोनों मेटल्स हैं वो पिघल जाते हैं, यानी कि मेल्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब कोई भी मेटल मेल्ट होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो काफी वेरी करती हैं, और वहां पर जो आप यदि बात करें माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो बिल्कुल चेंज होते हैं। जैसे फेस सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, इस तरीके के अलग अलग आपके पास में जो कॉन्फिग्रेशंस होती हैं वो सारा डिपेंड करता है कि आपने कितने टेम्परेचर पे लेके गए और किस तरह से उसको कूल किया या हॉट किया है। तो आप यदि प्रॉपर कंडीशन नहीं देंगे तो आपका फेस चेंज हो सकता है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, और प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है मेटेरियल की। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी जो है वेल्ड के टाइम पे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट सेवेंथ डिसएडवांटेज है कि अ वेल्ड जॉइंट
फॉर मैनी रीजन्स नीड स्ट्रेस रिलीव हीट ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि जब आप वेल्ड कर देते हैं और वेल्ड एकदम से ठंडा हो जाता है तो उसमें स्ट्रेसेस रह जाती हैं, तो उस स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको वापस से हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको उसको वापस से एक लेवल तक गर्म करना पड़ता है और उसको बहुत स्लो कूलिंग करनी पड़ती है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब आप स्लो कूलिंग करते हैं तो जो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो गई थी वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती हैं और वो वापस से नॉर्मल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। यदि स्ट्रेसेस रहेंगी तो उसमें क्रैक आने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग। तो हम यदि बात करें वेल्डिंग कहाँ कहाँ हम काम में ले सकते हैं, तो ऐसी शायद कोई जगह नहीं होगी आजकल हमारे आसपास जहाँ पर हम वेल्डिंग को होता नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। तो यदि हम ब्रॉडली बात करें तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जितनी भी हवाई जहाज बनती हैं या फिर एरोस्पेस रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, वहाँ पूरी चीज़ों में वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, चेसिस बनने से लेके बॉडी बनने से लेके पूरा ऑटोमोबाइल जब बनता है तो वेल्डिंग जगह जगह की जाती है। इसी तरह से यदि आप देखते हैं ब्रिजेस, आप यदि कोई सा भी ब्रिज देखते हैं तो उसमें भी जितने भी लोहे के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने बड़े एक साथ नहीं होते हैं, उनको वेल्ड किया जाता है एक दूसरे से। तो किसी भी ब्रिज के नीचे से आप जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखते वक्त आपको बहुत सारे लोहे में वेल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। इसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर में वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। खिड़कियाँ आप लोहे की बनवाते हैं, दरवाजे लोहे की बनवाते हैं, वो सब वेल्डिंग के थ्रू बनते हैं। और भी स्ट्रक्चर्स जो भी आप बना रहे हैं वो सब आपके बड़े बड़े वेल्डिंग हो रहे हैं। प्रेशर वेसल्स, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा फैक्ट्री में जो बॉयलर्स होते हैं या फिर जिसके अंदर में गैस होती हैं, या ONGC के जैसे जैसे किसी तरह के ट्रक्स होते हैं जिसके पीछे वेसल्स लगे रहते हैं, प्रेशर वेसल्स, तो ये सब भी आपके पास वेल्डिंग से ही बनते हैं। टैंकर्स बनते हैं, ऑयल टैंकर्स बनते हैं, दूध ले जाने के टैंकर्स बनते हैं, और भी तरह तरह के टैंकर्स बनते हैं, वो सब भी आपके पास में वेल्डिंग के थ्रू ही बनते हैं। उसमें एक लंबी शीट को आप जब रोल आउट करते हैं और यहाँ पर आप वेल्डिंग कर देते हैं, इस तरीके से आप इनको बनाते हैं। स्टोरेज टैंक, जैसे कि आप देखते हैं कि गेहूं रखने के लिए आपने बिन्स बना रखे हैं, और भी बहुत तरह की इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है, वो सारे स्टोरेज के लिए भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट इज रेल रोड इक्विपमेंट, जितनी भी रेलवे लाइन्स हैं उनके अंदर में भी बहुत ज़्यादा आपको वेल्डिंग की देखने की जरूरत दिखती है। पाइपिंग इंडस्ट्रीज जो है या पाइपलाइंस हैं, तो इसमें रिफाइनरीज हो गई हैं आपके पास में, वाटर पाइपलाइंस हो गई हैं, गैस पाइपलाइंस हो गई हैं, और भी तमाम तरह की जो पाइपलाइंस हैं उनमें भी वेल्डिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है। शिप मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब शिप बनता है। इसी तरह से ट्रक्स एंड ट्रेलर्स जब बनते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, या फिर अर्थ मूवर्स हैं, उसमें भी वेल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मशीन टूल फ्रेम्स, जो भी आप देखते हैं, जितनी भी मशीनें देखते हैं, लेथ मशीन देखते हैं, शेपर मशीन देखते हैं, उनकी पूरी की पूरी फ्रेम, बॉडी, सब कुछ वेल्डिंग करके ही बनाई जाती हैं। इसी तरीके से यदि हम हाउस होल्ड या फिर ऑफिस फर्नीचर देखें, टेबल है, कुर्सियां हैं, इन सब में वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, क्रेन्स हैं, ओवरहेड क्रेन्स हैं, ये सब बहुत लार्जली वेल्डिंग पर डिपेंड करता है। तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, और आज भी इसमें इतना ऑटोमेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे ये लोगों पर बेस्ड है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है जो यहाँ पर कवर नहीं की गई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वायरी और इफ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर थिंग वंस अगेन और इन डिटेल, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज विच विल कम नेक्स्ट, बिकॉज जितने भी हमने टॉपिक्स अभी तक देखे उनको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, और सारे वीडियोस बहुत लंबे होंगे क्योंकि हम उसको एक एक बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट थिंक दैट कि शॉर्ट वीडियोस होंगे दो दो चार चार मिनट के, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ बहुत टेक्निकली और बहुत डेप्थ तक समझ में आए। थैंक यू सो मच।